हमारी बात को दबाया जा रहा है क्योंकि मैं एक दलित हूँ, और इससे अगर 8 दिन के अंदर मुझे अगर इसकी मुकदमा मेरा या इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूँगा। आखिर कौन दे रहा है दलित को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ? दलित के प्राण हैं संकट में, आत्महत्या करने को है मजबूर। पीड़ित ने बताया यह भाजपा नेता है जो मुझे माँ बहन की अश्लील गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी देता है। हमारे प्राण संकट में हैं, मुझे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी। आपको बता दें मामला कन्नौज जिले के छिमरा मऊ बिसुनगढ़ का है, जहां के रहने वाले एक दलित युवक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पीड़ित ने बताया क्षेत्र के एक भाजपा नेता बा स्थाई पुलिस का दलाल है जो मुझे फोन पर जाति सूचक बा मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। बाजार मरे बाजार चौराहे तो ध्यान रखिए हमारे बादीन का जो करें नहीं तो हम बलता जिन्हें बुला पाते ना बुला ले अपने घर परिवार जितने हो तेरे गुंडा बदमाश तब बुला ले अटला की दुकान मत बोले चले हम कल जुगाड़ को जहाँ कर भी हो। पीड़ित ने भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बिसुनगढ़ कस्बा निवासी नेम कुमार उर्फ पुच्चू पुत्र सुखवासी लाल ने बताया कि गांव के ही एक सुनार पर उसके 17,000 रुपए उधारी के हैं। जब मैंने अपने रुपए मांगे तो सुनार ने मुझे डराते हुए कहा अभी मैं रामबक्स नेता से शिकायत करता हूँ। कुछ देर के बाद रामबक्स नेता का गुजरात से फोन आ गया और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की बात कही। पीड़ित ने भाजपा नेता के खिलाफ तहरीर देकर थाने में कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर उसे पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देना पड़ा है। पीड़ित भय के चलते पिछले 4 दिन से अपनी दुकान नहीं खोल पा रहा है, जिससे उसे अपने परिवार के भरण पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाम नेम कुमार, मैं बिसुण का निवासी हूँ और मेरे अतुल वर्मा सुनार से पैसे थे। उसके 2 महीने पहले मैंने थाना अध्यक्ष को अप्लीकेशन लिख के दिया था, तब मेरे 37,000 रुपये उससे थे। 37 उसी दिन उसने मेरे 20,000 रुपये दे दिए थे, 17,000 रुपये रह गए थे। उसके बाद 27 तारीख को मैंने उनके पास कॉल किया, उसके 2 महीने बाद मैं 27 तारीख को मैंने कॉल किया, हमने कहा अतुल भाई मेरे पैसे दे दो। उससे पहले क्या अभी वो उसने मुझे धमकी दी, अभी दामबक नेताजी से तुम्हारी बात करवा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले 8 दिन पहले रामबक्स नेताजी ने मुझे दुकान पे आके धमकी दी, गाली गलौज किया और बोला अतुल अब मेरा आदमी है उससे पैसे तू नहीं मांगेगा। 27 तारीख को पैसों की ज़रूरत पड़ी, हमने कहा लाओ मेरा पैसा है किसी से ले लें, तो हमने उनसे लिए पैसे लिए। हमने उनसे 2:30 पे फ़ोन किया, हमने कहा अतुल जी पैसे मेरे दे दो मुझे, बोल रहे अभी रुको हम नेताजी से तुम्हारी बात करवा रहे हैं। उसके 10 मिनट के बाद रामबक्स लोधी जो है हमारे मोबाइल पे उसकी कॉल आती है 6 कॉलें हमने रिसीव नहीं की, 7वीं कॉल हमने जैसी भी रिसीव की तो मुझे गाली गलौज धमकियां देने लगा। उसमें रिकॉर्डिंग उसका पूरा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, 3 मिनट और 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग है उसकी मेरे पास। धमकी दी, बोला तुझे दुकान पे आके मारेंगे और तुझे पूरे चौराहे से लेते हुए तुझे मार्केट में अतुल की दुकान तक मारते हुए ले जाएंगे। रामबक्स लोधी जो बिसुण पुलिस थाना का दलाल है, 8-10 सालों से पता कराया जाए बिसुण के अंदर, तो ये नंबर 1 दलाली, इसका पूरा काम है इसका दलाली करना। बिसुण में कोई विवाद होता है, किसी की कोई जगह जमीन बने तो इसको बस उनमें पैसा चाहिए, दलाली हमेशा दलाली के चक्कर में रहता है। मेरा काम फोटो स्टूडियो का है और मिनी बैंक का भी काम करता हूँ, पैसे डालने निकालना काम करता हूँ। अतुल ने आज के 4-6 महीने पहले हमसे ट्रांसफर कराया था पैसा, तो किसी ने फ़ोन किया भैया पैसे डाल दो कुछ अभी तुम्हें दे रहे आके, मैंने इसके डाल दिए, इसने देते देते मतलब यह सिलसिला चलता रहा। 17,000 मेरा लास्ट रह गया था, हमने कहा दे दो, फिर इसने कही अभी लो मैं इधर उधर नेताजी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये पार्टी क्या लिखा के रखा है बीजेपी नेता,
गाड़ियों में, इसकी गाड़ी में हूटर है। बिजनौर जनता को उसने भयभीत कर रखा है, जैसे वो निकलेगा गांव से हूटर बजाते हुए निकलेगा। स्विफ्ट में भी इसकी डिजाइन उसमें हूटर लगा है और फॉर्चूनर है उसमें भी। हमारी बात को दबाया जा रहा है क्योंकि मैं एक दलित हूँ और इससे अगर 8 दिन के अंदर मुझे अगर इसकी मुकदमा मेरा या इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूँगा।